मुझसे कोई काम नहीं होगा। क्यों? तुम देखो नहीं हो। तो देखना भी मना है क्या? लेकिन तुम जानती हो इस तरह से देखना मुझे काम से रोक देता है। बिल्कुल यही तो, इस तरह से देखना मुझे काम से रोक देता है। तुम काम कर ही तो नहीं पा रहे हो, काम की तुम्हारी दिलचस्पी ना होने के बराबर रह गई है। ये तुम्हारी सोच है। सीरियसली है सर, तुम कुछ उखड़े उखड़े से। बहन है तुम्हारा। अब देखो तुम्हें बात करते करते अखबार लग रहा है। अरे बाबा खैर का आदमी कौन पर किया है? एग्जैक्टली यही तो बात है। क्या बात है? जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्या समझ नहीं पा रहा? मेरा तजिया गलत नहीं हो सकता। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। कौन सा तजिया? कि तुम्हें आइडियाज आना बंद हो गए, तुम तकलीकी तौर पर बंजर हो रहे हो, तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स हो गया है, ये मेरा तजिया है। तुम्हारा तजिया गलत है। देखा अब तुम बिल्कुल नहीं मान रहे, मैं जो बातें करती हूँ ना तुम उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। यानी जो तुम सुनाना चाहती हो? साइकोएनालिसिस के बारे में तुम एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते। एक लफ्ज? शीरी में पूरे वॉल्यूम सुन चुका हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो रही है, इसलिए तुम काम पे एनर्जी नहीं ला पा रहे। शीरी मेरी नींद कैसे पूरी हो सकती है जब तुम आधी रात को उठाकर पूछोगी कि मैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग नॉर्मल नहीं रहा। तुम्हें पता भी है कि मैं रात में कितनी गहरी नींद सोने का आदी हूँ। झूठ, ख्वाब तो कच्ची नींद में आते हैं। उठाकर पूछना जरूरी है क्या? इसीलिए पूछना जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी में बैरियर क्यों आ रहे हैं। जिंदगी में बैरियर नहीं, नींद में खलल आता है शीरी। खुदा का वास्ता है तुम्हें, किसने मशवरा दिया था तुम साइकोलॉजी को एडमिशन और उस पागल डॉक्टर खुर्शीद के क्लब ज्वाइन करो? असल तुम एक दफा डॉक्टर खुर्शीद के पास चले तो जाओ, उनके पास ना तुम्हारी उलझन का हल है। मुझे क्यों उलझन में लगी यार? ये जो तुम झुंझला जाते हो ये एक बीमारी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो तुम बातें भी कम करने लगे हो। इसलिए कि तुम ज्यादा करने लगी हो। कि तुम्हारी खामोशी जाहिर करती है कि तुम्हारे अंदर ना कोई ख्वाहिशात दबी हुई है। अब मेरे अंदर बस एक ही ख्वाहिश है जो दब के रह रही है कि मुझे सुकून का सांस लेने दो। प्लीज सर तुम मेरी बात मानो और एक दफा डॉक्टर खुर्शीद के पास चले तो जाओ। ये जो तुम गुस्सा करते हो ना और चिड़चिड़े हो जाते हो, इसका हल निकल आएगा और तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुकून? उस शख्स के पास जो कुछ सुकून में नहीं, सुबह 4 बजे तक सिगरेट पीता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे हलके के कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ। लेकिन औरतों के सामने नहीं, ये उनकी खूबी है। बस तुम जितनी जल्दी हो सके ना उनसे जाकर मिल लो। वो आसाबी मरीजों का शाफी इलाज करते हैं। अब तो मेरे आसाब बाकी जमा दे रहे हैं। तो भी चलो जाओ। शीर। प्लीज सर। देखो हमारा भी। आज सुबह पहला। ये है इस बात के लिए था। गुड मॉर्निंग। अरे छोटी तुम उठ गई? कैसी हो माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे कहने पर यहाँ आई हो। तुम यहाँ बैठोगे तुम्हारे लिए अच्छा सा ऑमलेट बना के लाती हूँ। ठीक है? कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। मैं मुकम्मल नाश्ता नहीं करूंगी, बस दो घूंट चाय पीऊंगी। असर देखो इसे, ये नाश्ते के लिए मना कर दी। हाँ बिल्कुल। क्यों? कोई खास वजह नहीं है, बस नाश्ता में कमी करती हूँ। असल में शाके कहते हैं खुद को भूलने से रोको। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तुम्हारी जिंदगी है। नहीं वो ज्यादा रोक टोक नहीं करते, मैं खुद ही थोड़ा एहतियात करती हूँ। रात को ठीक तो सोती हो ना? साफ आप ठीक आते हैं। बहुत गहरी नींद सोती हूँ बाजी। और कल रात को ना? कल रात को क्या? क्या कल रात को क्या हुआ? कल रात को मैंने एक बहुत दिलचस्प ख्वाब देखा। बहुत ही उमा तुम तो जानती हो ख्वाब बताए नहीं जाते। उमा तो बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा? अरे छोड़ो मैं यार, ख्वाबों में क्या रखा है? ख्वाबों में ही तो सब कुछ रखा है। क्या रखा है? तुम बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा? ताकि ये तुम्हें उसकी ताबीर बता दे। क्या वाकई? इसीलिए तो पूछ रही है। बता सकती है? जी हाँ। इनको छोड़ दो, तुम बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा? उमा अगर तुमने उसको बता दिया कि तुमने क्या ख्वाब देखा है तो ये तुमसे तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे अंदर कोई ख्वाहिश है जो दबी हुई कि जैसे तुम अपने शौहर को मारकर किसी और से शादी कर लो। क्या फजूल बात है ये सर। उमा तुम बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा? मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक शेरनी हूँ। शेरनी? और मैं जंगल में एक नहर के किनारे टहल रही हूँ और उस नहर में से दूध बह रहा है। दूर जंगल से धाड़ने की आवाजें आ रही है और मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। तुम खुशी से पागल हो रही हो? कुछ तो भेद छुपा है इसमें। क्या भेद छुपा है? सीधी सी बात है, इसने खुद को शेरनी के रूप में देखा। बचपन से कितनी डरपोक थी, अब शायद बहादुर हो गई है बस। हाँ तुम्हें शेरनी बहुत पसंद है। बहुत, लेकिन शाकिर को शेरनियों से उतनी ही नफरत है। क्या साइको एनालिसिस? क्या सब साई? ये कोई नया साइक्लोन है, सुनामी के बारे में तो मैंने सुना है। बिल्कुल, लेकिन ये सुनामी से भी बदतर है।
तो बहुत लोग मर गए होंगे। एक अजाब है जो अचानक मुसल्लत होता है। मैं कितनी जाहिल हूँ, किसी बारे में कोई खबर ही नहीं रखती, पर तुम कितनी जहीन हो, तुम्हें सब कुछ पता होता है। शाकिर समेत उसके तमाम दोस्त जाहिलों का टोला है। काश मैं भी उस टोले में होता। वो तुम्हारे शौहर का एक दोस्त है जो अखबारात में लिखता है, काफी बारीक आदमी है। शेर अली, हाँ, तुम्हारी कभी उससे मुलाकात हुई? एक दो मरतब। असल में वो शाकिर को ना ज्यादा पसंद नहीं है, शाकिर उससे काम कम ही मिलते हैं। मतलब शाकिर को शेर पसंद है। शेर अली। हाँ वही। क्या कोई मसला है? ऐसे हो सकता है बाजी, शाकिर ने उससे मिलने से ही मना किया हुआ है। अभी शाकिर के साथ क्या? शाकिर का शेर के साथ कोई चक्कर चल रहा है? हमारा शाकिर का शेर के साथ चक्कर क्यों चलेगा? तो फिर तुम शाकिर के साथ खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो या तुम्हें लगता है कि तुम खुश हो? क्या हो सकता है कि तुम वाकई में खुश हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया बाजी। यही तो इनका मकसद है, किसी को कुछ समझ में ना आए। फ्रॉइड, सॉन्ग, एडलर, मेरी टेबल इसकी किताबों से भरी रहती है। कब से इसने साइकोलॉजी का एडमिशन लिया? ये इतनी नफ्सियाती किताबें क्यों पढ़ती हैं आप? हुमा, ये नफ्सियात के इल्म के बारे में किताबें, नफ्सियाती किताबें नहीं है। हुमा, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है शऊर और लाशऊर। शऊर समझो सतह समंदर है, तो लाशऊर पाताल है। अब पाताल में जो कुछ है वो बहुत कटा फटा कुचला हुआ, वहाँ बीमारी है, तिश्नगी है, जबर है, या फिर कोई ऐसी ख्वाहिश है जिससे आपका नुकसान हो रहा है। हाँ, वो ख्वाहिश आपने जेर तश दबा दी है, उस ख्वाहिश से आपका नुकसान हो रहा है, आप पागल भी हो सकते हैं। अब जैसे खाम पर तुमने देखा ना कि तुम एक शेर नहीं हो, तो ये फरमाएंगे कि असल मजाक उड़ाने से बात नहीं बनेगी। तो बाजी फिर असल बात क्या है? उफ, अब एक लंबी तकरीर के लिए तैयार हो जाओ। देखो ये जो लाशऊर की तशरीह है ये बहुत गुंजलक और गंभीर है। लाशऊरी मुहर्रकात के शऊर की दुनिया पर गहरे असरात और फिर उससे पैदा शुदा ज़हनी उलझनों का हल। कुछ समझ में नहीं आया बाजी। देखो आसान अल्फाज में इस तरह से लो कि तुम किसी चीज की शिद्दत से ख्वाहिश रखती हो लेकिन उसको हासिल करने की इम्कान ना होने के बराबर है, तो आपके दिमाग में जंग बर्पा होती है और सेपरेशन आता है। तो वहीं से ये सोच उभरती है कि आपकी ख्वाहिश तो बहुत नामाकूल है, तो आप अपने शऊर की हुदूद से उस ख्वाहिश को निकाल देते हैं ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, बल्कि ये ख्वाहिश भेस बदल बदल कर आपके शऊर पर असरअंदाज होती है और ये लाशऊर में छुपी होती है। एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन जो कभी भी वार कर सकता है और उसका वार खतरनाक हो सकता है। ये ख्वाहिश ख्वाबों में रास्ता ढूंढती है। अगर मसला ज्यादा शिद्दत का हो तो आप पागल भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन साइकोएनालिसिस हमें इससे बचाता है। वही ख्वाहिश जो कहीं छुपी होती है उसे शऊर का हिस्सा बनाता है और इस तरह से आप पागल होने से बच जाते हैं। और अक्सर फैमिली तोड़ने का नया साइंसी तरीका है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है सर भाई, जो खानदान खुशी से अलग होना चाहे उन्हें कौन रोक सकता है? हाँ, मिसाल के तौर पर गौरी साहब जो कुछ अर्सा पहले यहाँ रहा करते, इनकी बीवी भी कुछ नफ्सियाती हो गई। नफ्सियाती कैसे हो गई? वो बेचारी तो अपना साइको एनालिसिस कराना चाहती। जी जी जी, वो अपना साइको एनालिसिस करवाना चाहती। हालांकि ये मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। ये तुम कैसे कह सकते हो? रमजान जान देखकर एक दिन वो साइकियाट्रिस्ट के पास गई, साइको एनालिसिस करवाया, तो जो नतीजा सामने आया वो ये था कि वो अपने शौहर से अलहदगी चाहती। तो ये सोचती थी? नहीं, बात तो डॉक्टर साहब से मिलने के बाद सामने आई। और उसने अपने शौहर को छोड़ दिया। अच्छा किया छोड़ दिया। क्यों बाजी, क्या वो उसे प्यार नहीं करता था? आसमान से तारे तोड़कर लाने की बातें करता था। ख्याल नहीं रखता होगा, हवा छू जाए तो परेशान हो जाता था। और उसने इतने प्यार करने वाले शौहर को खुद से अलग कर दिया। मां तुम ये देखो कि ये उसकी ख्वाहिश थी, मोहब्बत तो उसके शौहर को थी, उसको थोड़ी ना थी। बदकिस्मत औरत थी, अपने शौहर की मोहब्बत को ही ना समझ सकी। ये सब दफिया मुसीबत है। सॉरी शीली बात, ये जो आपकी साइक्लोन साइंस है ना, ये बहुत बुरी है। साइको एनालिसिस साइक्लोन ही है। बिल्कुल मैं तुमसे मुत्तफिक। अब इनके दोस्त को ही सुन लो, उनकी सेक्रेटरी थी निदा आसमान। शादीशुदा होने के बावजूद भी ना उनको चाहती। शादीशुदा? दो बच्चे। छी छी, कैसी औरत थी? वो भी शादीशुदा थे, तो फिर उन्हें ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत पड़ी? तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। अच्छा तो फिर क्या हुआ उनके साथ? होना क्या था,
उन्होंने अपनी ख्वाहिश को दबाए रखा और पागल खाने चली गई। अगर अपनी ख्वाहिश पर अमल करती ना तो आज हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। पागल खाने जाने से बेहतर है कि आप रिवायत चिकन पर। हमारे कुछ चिकन कम है जो आप रिवायत चिकन भी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं रिवायात को तोड़ कर ही हम एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद डाल सकते हैं। लेकिन माजी अगर इतने घर टूटेंगे तो माशरा तो बिखर जाएगा। पक्की आजादी का एक नया तसव्वुर पैदा होगा। इतना कौन सोचता है बाजी? सोचते हैं जब जिबिल्लत में पाई जाने वाली वहशी ख्वाहिशात का हुजूम होगा तो उसका रिवायती मुनाफिकत पर मबनी मुआशरती रवैयों से तसादुम होता रहेगा। और ये किसी भी तहजीब याफ्ता माशरे में मुमकिन? शोर से अलहदगी, ओ गॉड, हुमा दबी हुई ख्वाहिशात का मुआशरती रवैयों से तसादुम। ओ हेल, ये मैंने क्या कर दिया? तहखाने की छत बना दी। तहखाने की छत? तुम्हारा साइको एनालिसिस यही सब कुछ करता है। साइको एनालिसिस इसका उलट करता है। अब इसी लिए मैं सबके लिए फिक्रमंद है। कल रात इन साहब ने ख्वाब देखा कि इनके आसपास की दीवारें पिघल रही हैं और ये जंगल में खड़े। तो मैं भी तो जंगल में खड़ी हूँ। तुम तो अपनी ख्वाहिश के जंगल में खड़ी हो, आजादी की ख्वाहिश का जंगल। ये क्या होता है? एक तो हर बात की तशरीह करना पड़ती है। अब क्योंकि मैं असर के बारे में बात कर रही थी, अब आर्किटेक्ट हैं तो ये बात बहुत अहम है। इससे जाहिर होता है कि काम पर इनकी गिरफ्त कम हो रही है, तो यकीनन इनके अंदर भी ख्वाहिशात का हुजूम है जो दब रहा है। ख्वाहिशात का जबर? जी हाँ, ये जबर ही तो है कि हमारे अंदर ख्वाहिशात के जहन्नुम पैदा हो रहे हैं। श्री, हम एक काम करते हैं, ये सामान अंदर ले जाते हैं। आजादी का ऐलान करने
और बाजी जो वहाँ दूध की नहर बह रही थी जिससे मैं खुशी से पागल हो गई थी वो तो तुम बचपन से हो। हाँ लेकिन बाजी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मैं खूब कोशिश करने के बावजूद भी जीत नहीं पा रही थी। यहाँ से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर की आवाज दबा दी गई है। कौन सी शीरी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ ये खुश है या नहीं, इसकी आवाज दबा दी गई है, ये चीख रही है, हाँ इसका शौहर किससे खुश है, ये जिंदगी से बेजार है। मैं ये सब कुछ सुनकर बेजार हो गया, बल्कि अब मैं पागल होने वाला हूँ। प्लीज आराम से असद, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? प्लीज असद अपने रवैये पर गौर करो, तुम यहाँ बैठो हम अंदर जाकर बात करेंगे। मैं भी जा रहा हूँ इसके पागल डॉक्टर के पास जिसने नया दीने जा दिया। चंगा गया शीरी की शौरी और लाशौरी। क्या हो गया मुझे? सुनो शीरी को मत बताना कि मैं डॉक्टर के पास गया, हो सकता है इसमें हफ्ता दो हफ्ता बिता। मैं तेरे से भी ये शीरी की केस स्टडी नहीं बनना चाहता। Okay.